हेलो एवरीवन, बीएड सेमेस्टर फोर का जो पेपर है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, जिसमें टॉपिक है जेंडर रोल्स, मतलब कि लैंगिक भूमिका, तो इसके बारे में आज लोग यह नोट्स देखने वाले हैं। यह नोट्स हमारा इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में रहने वाला है। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको बीएड रिलेटेड सारे नोट्स हिंदी एंड इंग्लिश में मिलते हैं, और भी अदर स्टडी मटेरियल्स भी अवेलेबल है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो हम लोग इस वीडियो कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जेंडर, लिंग, मतलब ये होता क्या है। द वर्ड जेंडर कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड जीनस विच मीन्स काइंड और रेस। जो वर्ड है जेंडर, ये कहाँ से आया? लैटिन वर्ड से आया, जिसका जो कि जीनस लैटिन वर्ड से आया है, और जिसका मतलब होता है कि एक नस्ल या फिर दयालु। जेंडर रिफर्स टू द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मेन एंड वुमेन दैट आर क्रिएटेड इन आवर फैमिलीज, आवर सोसाइटीज एंड आवर कल्चर्स। जो हमारा फैमिलीज में, सोसाइटीज में, समाज में, परिवारों में और जो संस्कृतियों में जो एक क्या है कि एक रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिया गया है मेन और वुमेन को, वही क्या होता है? हमारा जेंडर होता है। सेक्स और जेंडर में डिफरेंसेस होते हैं थोड़े। सेक्स जो होता है वो हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बेसिस पे वो डिटरमाइन करता है कि कौन बॉय है, कौन गर्ल है। लेकिन जेंडर क्या होता है, ये समाज के द्वारा ये निर्धारित रहता है मेन और वुमेन उसके कार्य के अकॉर्डिंग, कि मेन का क्या काम है, वुमेन का क्या काम है, ठीक है। उसके बेसिस पे क्या होता है कि ये जेंडर को डिवाइड करता है, ठीक है, मेन और वुमेन में। तो समाज, हमारे परिवार और हमारे संस्कृतियों में जो रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिया गया है मेन और वुमेन को, वही क्या बताता है? जेंडर। आगे हम लोग देखते हैं, द सोशल एंड कल्चरल डिफरेंसेस ऑफ मेन एंड वुमेन आर कॉल्ड जेंडर। तो जो सामाजिक और सांस्कृतिक परिभाषा है जो पुरुषों और महिलाओं के लिए, मेन और वुमेन के लिए, सोशल एंड कल्चरल डिफरेंसेस जो है वही क्या है? जेंडर। जैसे हम कुछ एग्जांपल्स के तौर पर इसको देखते हैं, समझते हैं कि फॉर एग्जांपल, इट इज़ सोसाइटी दैट मेक्स रूल्स दैट अ गर्ल विल स्टे इन द हाउस। ये सोसाइटी ही होता है जो कि रूल बनाता है कि लड़कियाँ क्या रहेंगी, घर के अंदर रहेंगी, व्हाइल अ बॉय कैन गो आउट। और बाहर बॉय क्या हो सकता है, वो बाहर जा सकते हैं। रात के समय में भी ऐसा देखा गया है कि जो गर्ल्स हैं या महिलाएं हैं वो बाहर ज़्यादा रात तक देर में रुक नहीं सकती हैं, ठीक है, या बाहर अकेले नहीं जा सकती है। कैन और दैट अ गर्ल बी गिवन लेस फूड टू ईट एंड लेस टाइम टू प्ले देन अ बॉय। और लड़के को क्या होता है कि कम खाना दिया जाता है। ऐसे रूरल एरियाज़ में अभी भी ऐसे से स्टीरियोटाइपिक लोग हैं जो कि क्या करते हैं कि लड़कियों को बॉयज़ के कंपेरिजन में कम खाना देते हैं और उनको कम समय देते हैं खेलने के लिए, ताकि फिर वो बाकी टाइम जो होगा वो फिर घर का काम करने में लगाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, अ बॉय शुड बी सेंट टू अ बेटर स्कूल सो दैट व्हेन ही ग्रोज अप ही कैन लुक आफ्टर द फैमिली बिजनेस और गेट अ गुड जॉब, व्हाइल नॉट मच अटेंशन इज पेड टू अ गर्ल्स एजुकेशन। एक लड़के को क्या होता है, बाहर भेजा जाता है एक अच्छे एजुकेशन के लिए, अच्छे स्कूलों में बाहर भेजा जाता है, ताकि जब वह बड़ा होगा तो क्या होगा, अपने फैमिली बिजनेस को देख सकता है या फिर एक अच्छा नौकरी ले सकता है, और क्या हो सकता है, उसी जगह पर जो गर्ल्स एजुकेशन है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। ड्यू टू दिस सोशल डिफरेंसेस, द डिफरेंसेस बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज़ क्रिएट टू डिफरेंट वर्ल्ड्स। यही जो हमारा सामाजिक और सांस्कृतिक जो डिफिनेशंस है जेंडर का, ठीक है, वही क्या करता है कि गर्ल और बॉयज़ में क्या करता है कि इन दोनों के बीच में अंतर ला करके या दो अलग दुनिया बना देता है। नेक्स्ट है जेंडर रोल। अब हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं कि लैंगिक भूमिका क्या है। द टर्म जेंडर रोल रिफर्स टू सोसाइटीज कंसेप्ट ऑफ हाउ मेन एंड वुमेन आर एक्सपेक्टेड टू एक्ट एंड हाउ दे शुड बिहेव। दीज रोल्स आर बेस्ड ऑन नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स क्रिएटेड बाई सोसाइटी। ये जो जेंडर है, टर्म जो जेंडर रोल है, यह एक सोसाइटीज कंसेप्ट है कि किस तरीके से मेन और वुमेन को काम करना चाहिए, या किस तरीके से उनको पेश आना चाहिए, किस तरीके से उनको बिहेव, अपना व्यवहार रखना चाहिए, ठीक है, ये सोसाइटीज़ का कंसेप्ट दिया हुआ है। दीज रोल्स आर बेस्ड ऑन नॉर्म्स, और ये जो क्या होते हैं, तो ये समाज के द्वारा बनाए गए जो हमारा नॉर्म्स है उस पर होते हैं, ठीक है, उस पर बेसिस होता है कि समाज किस तरीके से मेन और वुमेन को देखना चाहता है, मेन को कितना आगे देखना चाहता है या वुमेन को कितना आगे देखना चाहता है। तो ये समाज के द्वारा बनाया गया ही कंसेप्ट है जेंडर, ठीक है, जो कि उम्मीद करता है कि मेन और वुमेन किस तरीके से एक्ट करें और किस तरीके से बिहेव करें। जेंडर रोल्स आर कल्चरल एंड पर्सनल। लैंगिक भूमिकाएं क्या है, सांस्कृतिक और व्यक्तिगत भी है।
They determine how males and females should think, speak, dress and interact within the context of society. यही निर्धारित करता है कि किस तरीके से एक पुरुष और महिला को सोचना चाहिए, बोलना चाहिए या ड्रेसअप करना चाहिए और किस तरीके से उसको इंटरेक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो ये सोसाइटी है या हमारा कल्चर ही क्या करता है, इसको डिटरमाइन करता है। नेक्स्ट है, जेंडर रोल्स आर द सोशल एंड कल्चरल रोल्स प्लेड बाई मेल्स एंड फीमेल्स। जो लिंग भूमिका है, ठीक है, और जो पुरुषों और महिलाओं द्वारा निभाई जाने वाली है वो क्या है, सामाजिक और सांस्कृतिक भूमिका है, ठीक है। जेंडर रोल्स आर द बिहेवियर्स मेन एंड वुमेन प्लेज इन सोसाइटीज। लिंग भूमिका क्या है, ऐसा व्यवहार है जो पुरुषों और महिलाओं द्वारा समाज में निभाए जाते हैं। आगे है, जेंडर रोल्स इन सोसाइटी मीन्स हाउ वी आर एक्सपेक्टेड टू एक्ट, स्पीक, ड्रेस, ग्रूम एंड कंडक्ट आवर सेल्व्स बेस्ड अपॉन आवर असाइंड। जेंडर रोल्स क्या है, तो एक सोसाइटी मीन्स जैसे कि समाज में लैंगिक भूमिकाओं का अर्थ क्या है कि हमें अपने निर्धारित लिंग के आधार पर हमें क्या करना पड़ता है कि एक्ट करना पड़ता है, बोलना पड़ता है, ड्रेस अप होना पड़ता है, ठीक है, और खुद को क्या करना पड़ता है, कंडक्ट करना पड़ता है, खुद को कुछ लायक क्या करना पड़ता है, खुद को बनाना पड़ता है, ठीक है, जो हमें जेंडर जो दिया गया है सोसाइटीज़ के द्वारा। और ये जो हमारा जेंडर रोल्स है ये कभी कभी इनहेरिटेड भी होता है, जैसे पारंपरिक हो सकता है, ठीक है, और ये सोसाइटी टू सोसाइटी वैरी करता है, कल्चर टू कल्चर ये वैरी करता है, सेम नहीं रहता है, ये अदर सोसाइटीज़ में डिफरेंट हो सकता है ये जेंडर रोल्स। फॉर एग्जाम्पल, गर्ल्स एंड वुमेन आर जनरली एक्सपेक्टेड टू ड्रेस इन टिपिकली फेमिनिन वेज एंड बी पोलाइट, एकोमोडेटिंग एंड नर्चरिंग। जैसे एग्जाम्पल के हम देख सकते हैं कि गर्ल्स और वुमेन को क्या किया जाता है, ये उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो एक महिलाओं की तरह ही क्या करें, ड्रेसअप करें और वो शांत रहें और क्या करें, मिलनसार हों और पालन पोषण का काम वो अच्छे तरीके से करें। तो ये गर्ल्स और वुमेन से क्या किया जाता है, ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो गर्ल्स और वुमेन है तुम, वो उनका यही काम है, वो बॉयज़ के जैसा ट्रीट नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मेन आर जनरली एक्सपेक्टेड टू बी स्ट्रॉन्ग, एग्रेसिव एंड बोल्ड। दिस इज जनरली द सेट ऑफ रोल्स, एक्टिविटीज, एक्सपेक्टेशंस एंड बिहेवियर्स असाइंड टू फीमेल्स एंड मेल्स बाई सोसाइटी। मेन से क्या उम्मीद किया जाता है कि वो स्ट्रॉन्ग रहें, आक्रामक हों और बोल्ड बने रहें, ठीक है, स्ट्रेंथ हो उनमें, ठीक है, कंपिटेटिव हो नेचर उनका, मेन का ये उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है। तो यही जो हमारा समाज द्वारा महिलाओं और पुरुषों को जो भूमिकाएँ सौंपी गई है, ठीक है, वो क्या है, दिस जेंडर को डिफाइन करती है। जेंडर रोल्स आर अफेक्टेड बाई ए नंबर ऑफ फैक्टर्स सच एज एज, क्लास, रेस, एथनिसिटी, रिलीजन एंड आइडियोलॉजीज, इन एडिशन टू ज्योग्राफिकल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। जो जेंडर रोल्स हैं वो बहुत सारे फैक्टर्स के कारण अफेक्ट भी होती है, जैसे कि हमारा हो गया उम्र, हो गया वर्ग, हो गया नस्ल, हो गया धर्म, हो गया ये विचारधारा। तो अलग अलग धर्म, अलग अलग विचारधारा, अलग उम्र, अलग क्लास, ये सब कारण से भी क्या होता है कि जेंडर रोल्स में इफेक्ट देखने को मिलता है। ये सभी फैक्टर्स का काम करते हैं, कभी कभी ज्योग्राफिकल कंडीशन भी काम करता है, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इन्वायरमेंट भी काम करते हैं हमारा जेंडर रोल्स में, क्योंकि सभी सोसाइटीज़ में, सभी कल्चर, जैसे मैंने बताया कि सभी सोसाइटी या सभी कल्चर में सेम तरीके के जेंडर रोल्स देखने को नहीं मिल सकता है, अलग अलग हो सकते हैं। तो ये सभी फैक्टर्स क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं जेंडर रोल्स को। आगे देखते हैं, वाइल वेरियस सोशलाइजिंग एजेंट्स, और कुछ सोशलाइजिंग एजेंट्स भी हैं, ठीक है, जैसे पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, पीयर्स हैं, मूवीज, टेलीविज़न, म्यूजिक, बुक्स एंड रिलीजन टीच एंड रिइंफोर्स जेंडर रोल्स थ्रू आउट द लाइफ स्पैन। पेरेंट्स प्रोबेबली एग्जर्ट द ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस स्पेशली ऑन देयर वेरी यंग ऑफस्प्रिंग। कुछ सोशलाइजिंग एजेंट्स भी हैं जो कि जेंडर रोल्स को निर्धारित करते हैं, जैसे पेरेंट्स, सबसे ज़्यादा बच्चे अपने पेरेंट्स से ही जुड़े हुए होते हैं, फिर वो सबसे ज़्यादा स्कूल में जुड़े हुए रहते हैं, तो टीचर्स, पीयर्स और मूवीज़ हो गया उनका, टेलीविज़न, म्यूजिक, ये सभी क्या हैं, निर्धारित करते हैं जेंडर रोल्स को। और जो एक सोसाइटी का जो कंसेप्ट है वो क्या करते हैं कि वो देते हैं कि एक मेन और वुमेन को किस तरीके से क्या करना चाहिए, रोल प्ले करना चाहिए, ठीक है। ये सभी क्या करते हैं, प्रभाव डालते हैं। बच्चे क्या करते हैं, टेलीविज़न के थ्रू जब देखते हैं तो वो खुद को देखते हैं कि मेन है तो वो क्या कर रहा है, अगर वुमेन है तो वो क्या कर रहा है, फिल्म में वैसा देखते हैं, सीखते हैं उससे। पीयर ग्रुप में क्या रहता है कि बच्चे अपने पीयर ग्रुप, गर्ल्स का अलग पीयर ग्रुप बन गया, बॉयज़ का अलग पीयर ग्रुप बन गया, तो उसमें वो चीज़ों को वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। स्कूल में वैसे चीज़ों को पढ़ाया जाता है,
ठीक है, ये सभी चीज़ों से क्या होता है कि जेंडर रोल्स पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। आगे देखते हैं हम लोग, अब यहाँ पे कुछ हम लोग देखते हैं कि फैक्टर्स डिटरमाइनिंग जेंडर रोल्स। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस में देखते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स हैं। मेनली यहाँ पे 4-5 फैक्टर्स हैं जो कि डिटरमाइन करेंगे जेंडर रोल्स को। पहला है कि पर्सनैलिटी ट्रेट्स, कि क्या व्यक्तित्व लक्षण है। तो जैसे कि वुमेन से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो मिलनसार हो और भावनात्मक रूप से वो क्या हो, पोलाइट हो, ठीक है, ये सब उम्मीद किया जाता है किससे, वुमेन से, और सॉफ्ट हो, ग्रेसफुल नेचर हो, ये सभी वुमेन से एक्सपेक्ट किया जाता है। जहाँ तक कि मेन से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि उनमें आत्मविश्वास हो और आक्रामक हो, ठीक है, कॉम्पिटेटिव हो और फुली स्ट्रेंथ हो, ठीक है, ये सभी एक्सपेक्ट किया जाता है मेन से। तो ये पर्सनैलिटी ट्रेट है जो कि अलग अलग मेन और वुमेन से एक्सपेक्ट किया जाता है। फिर आगे देखते हैं हम लोग डोमेस्टिक बिहेवियर्स। सम पीपल एक्सपेक्ट दैट वुमेन विल टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन, कुक एंड क्लीन द होम। जैसे कि कुछ डोमेस्टिक बिहेवियर, जैसे घरेलू में किस तरीके से जेंडर रोल्स डिफाइन होता है, जैसे कि वुमेन से ये क्या उम्मीद किया जाता है कि वो क्या करेंगे, बच्चों का देखभाल करेंगे, खाना बनाएंगे, घर का साफ सफाई और घर का सारा काम को देखेंगे वो। और मेन से क्या उम्मीद किया जाता है कि वो फाइनेंस कंडीशन को देखेंगे, कि अर्निंग कंडीशन को देखेंगे, कि घर में पैसा कहाँ से आएगा, फैमिली कैसा चलेगा, फैमिली से जो प्रॉब्लम्स आएंगे या होम मेंटेनेंस, घर का रख रखाव जो होगा, जो भी खर्चे आएंगे घर में, वो सभी किसको देखना है, तो मेन को देखना है। इस डोमेस्टिक बिहेवियर के अकॉर्डिंग में जेंडर रोल्स क्या होता है डिटरमाइन किया जाता है कि वुमेन और वुमेन का क्या वर्क है। नेक्स्ट है फिजिकल अपीयरेंस। वुमेन आर एक्सपेक्टेड टू बी थीन एंड ग्रेसफुल, वाइल मेन आर एक्सपेक्टेड टू बी टॉल एंड मस्कुलर। वुमेन से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो कैसे रहें, पतले रहें और सुडौल रहें, जबकि मेन से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो लंबे रहें और मस्कुलर रहें, ठीक है, मसल्स बने, थोड़ा फैटी रहें। मेन एंड वुमेन आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू ड्रेस इन वेज दैट आर स्टेरियो टिपिकल टू देयर जेंडर। मेन वुमेन से ये भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो इस तरीके से ढंग से वो कपड़े पहने जो कि उनका पारंपरिक तरीके से पहना जा रहा है। जैसे कि जो मेन होंगे वो पैंट्स पहनेंगे, शर्ट्स पहनेंगे, शॉर्ट्स हेयर स्टाइल्स होगा, ठीक है। और वुमेन से क्या वेयर किया जाता है कि वो ड्रेसेस पहने और जो भी उनका श्रृंगार का आइटम है, ठीक है, साड़ी वगैरह ये सब पहने, सूट हो गया, तो ये सब जो होता है वो फिजिकल अपीयरेंस भी डिटरमाइन करता है कि वो मेन और ये वुमेन है, और मेन का यह काम है उसको इस तरीके से रहना है, और वुमेन का यह काम है और उसको इस तरीके से रहना है। नेक्स्ट देखते हैं ऑक्यूपेशन। जो हमारा व्यवसाय है वो भी किस तरीके से डिटरमाइन करता है जेंडर रोल को। सम पीपल आर क्विक टू एज्यूम दैट टीचर्स एंड नर्सेस आर वुमेन। कभी कभी क्या होता है कि कुछ वर्ड्स हमारे सामने आते हैं जिसको हम लोग सुन करके क्या एज्यूम कर लेते हैं कि यह जो वर्ड्स है तो ये क्या है, ये हम लोग जेंडर को डिफाइन कर देते हैं कि या तो ये मेल ही होगा या तो ये फीमेल होगा। जैसे टीचर और नर्सेस का नाम सुनते ही क्या लोग डिफाइन कर देते हैं कि ये क्या है, वोमेन है। और जैसे कि पायलट्स, डॉक्टर्स और इंजीनियर्स का जैसे वर्ड आता है, नाम आता है, तो हम लोग क्या डिफाइन कर देते हैं कि ये क्या होंगे, ये मेन ही होंगे। तो ऑक्यूपेशन भी बहुत बड़ी फैक्टर काम करता है जेंडर रोल्स को डिफाइन करने में। अगर आपको ये नोट्स अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी इसे ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।